आपका स्वागत है दोस्तों फिर से इंटरेस्टिंग टीवी पर। हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे AMCA और LCTS मार्क टू के लिए बनाई जाने वाली आयरन बर्ड और मिनी बर्ड फैसिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड रिग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और इसको बनाना ही खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर प्रैक्टिकली एक एयरक्राफ्ट को ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है और उसमें हर वो चीज़ डाली जाती है जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर होती है। उसके अलावा यहाँ पर एडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस होते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का काम करते हैं। प्रैक्टिकली इसी टेस्ट के बेसिस पे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर फ्लाई बाय वायर जैसे सिस्टम को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाया जाता है। इस समय डिफेंस रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई जगहों पर डिले है, कई जगहों पर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और कई जगहों पर फेलियर्स है। प्रैक्टिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं और ये हम दोस्तों ऐसे नहीं कह रहे, हमने देखा है तभी कह रहे हैं, लेकिन आज की यंग इंडिया की एस्पिरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से यंगर जनरेशन की डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले डेटा बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम आपके लिए डेटा लेकर आए। LCTS मार्क 1 के लिए जब आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाई गई थी तो इस फैसिलिटी को बनाने में 5 साल का समय लगा था। ये फैसिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और सही सेंस में समझा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है एक्चुअल एयरक्राफ्ट को बनाने से ज़्यादा होती है, या फिर रिलायबिलिटी भी एक्चुअल एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ से डेटा रिलायबल तरीके से नहीं निकलेगा तब तक आप एक्चुअल एयरक्राफ्ट को रिलायबल नहीं बना पाएंगे। इस फैसिलिटी के ऊपर ये जो सिस्टम बनाया जाएगा वो ग्राउंड पर ही उड़ेगा, यानी कि इसमें एक प्रॉपर कॉकपिट होगा, तो फिर बैठकर पायलट, एक्चुएटर सिस्टम, हाइड्रोलिक और दूसरे सिस्टम्स को ऑपरेट कर पाएगा। और इस ग्राउंड रिग के ऊपर जब एयरक्राफ्ट उड़ेगा तब इस पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऐड किया जाएगा, जैसे कि लैंडिंग गियर काम नहीं किया तो एयरक्राफ्ट कैसे काम करेगा, कोई और स्ट्रक्चरल इशू है तो वो क्या चेंजेस आएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा। और जब आपको पता चल चुका है कि आयरन बर्ड फैसिलिटी किस तरीके से ऑपरेट करेगी तो आइए आप डेटा पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाई जा रही है और इन दोनों का डिजाइन आडा की तरफ से कंप्लीट कर लिया गया है। एक आयरन बर्ड LCTS मार्क 2 के लिए होगा और दूसरा AMCA के लिए। अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर मार्क 1 की आयरन बर्ड फैसिलिटी देख सकते हैं और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में कहा है कि इसको बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा था, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 फैसिलिटी बनाई जाएगी जिनको लगभग 1.5 साल के अंदर पूरी तरीके से बनाकर सर्टिफाई करा लिया जाएगा। इसको लेकर टेंडर ऑलरेडी रिलीज कर दिया जा चुका है और ये टेंडर गया है BL को। रेस में दूसरी कंपनी जो है वो गोदरेज थी और उस हिसाब से यहाँ से 1.5 साल के अंदर ये फैसिलिटी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन LCTS मार्क 2 के लिए कुछ और टेस्ट ट्रिक्स पहले बनाई जा चुकी है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल टेस्ट ट्रिक का हमने फोटोग्राफ भी देखा था। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो कहाँ 5 साल लगे थे पहली आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाने में और अब कहाँ 1.5 साल के अंदर 2 और आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाई जा रही हैं, जहाँ पर कॉम्पिटिटर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है। और ये चीज़ दिखाती है कि इस समय देश का एविएशन कॉम्प्लेक्स कितना तेजी से बेहतर होता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी और ज़्यादा तेज होती जाएंगी, लेकिन हिस्टोरिकली जिन लोगों ने भारत में काम होते हुए देखा है तो उनको पता है कि चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई हैं और इसी वजह से वो लोग जो काफ़ी पहले से डिफेंस मॉनिटर करते थे वो ज़्यादा बेहतर फील कर पा रहे हैं। हालांकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि यंग इंडिया की यंग एस्पिरेशन से और वो और तेज़ी से वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम भारत में चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, आप ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को ये इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों साथ ही हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत मतलब लिख के कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।